अभी आपको आम खबर से आगाह करें, कराची के इलाके शेर शाह में धमाके की इत्तला मिली है जिसके नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हो गए हैं। आपको बता चलें कि शेर शाह चौक निजी बैंक में खौफनाक धमाका पेश आया है। आपको बताएं कि निजी बैंक की इमारत को भी शदीद नुकसान पहुंचा है। इसके आपको इत्तला दे रहे हैं, यह भी एक जो नाजरीन आम खबर से आगाह करें कि शेर शाह प्राचा चौक निजी बैंक के करीब धमाका हुआ है। आपको बताएं धमाके की आवाज़ दूर दराज के इलाके तक सुनी गई है। धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं और बैंक के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है। नाजरीन आपको फिर एक बात एक अहम खबर से आगाह करते चलें, शेर शाह प्राचा चौक पर खौफनाक धमाका हुआ है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात से आगे करने के लिए हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा फैस टीवी समीर तरीन। जी समीर, बताइएगा वाकया कैसे पेश आया है और अब तक क्या इत्तलात हैं? जी शुक्रिया, आपको बताता चलूं कि कराची का इलाका है शेरशाह, जो कि जहां पे आपसे कुछ ही देर पहले जो है वो एक धमाका हुआ है। धमाके की आवाज इतनी जोरदार थी कि करीबी जो इमारतें हैं उनके शीशे भी टूट गए, जबकि इस वक्त जो है वो जाए हादसा पे रेस्क्यू का अमल जारी है, जिसमें पुलिस है, रेंजर्स है और दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, वो जाए वक्फे में पहुंच चुके हैं, जबकि इस वक्त भी जो है वो जाए हादसा पे ऑपरेशन जारी है। इब्तदाई इत्तलात में जो है वो 8 अफराद के जहां होने की इत्तलात मौसूल हो रही है, जबकि मुतादिद अफराद जो है उसमें जख्मी नजर आ रहे हैं। आप बॉटिंग में वाजे तौर पर देख सकते हैं कि ये गैस की लीकेज का धमाका बताया गया है, जिसमें एक इमारत भी जो है वो इसकी दीवारें वगैरह टूट चुकी है, जबकि मलबा भी वहां पड़ा हुआ है। आया अभी तक ये तकरीर नहीं लगाया जा सकता कि मलबे के नीचे भी आया लाशें हैं या जख्मी मौजूद है। इस वक्त रेस्क्यू इदारे जो है वो अपना काम कर रहे हैं। शेर शाह आने और जाने वाली सड़क बिल्कुल ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई है, जबकि रेस्क्यू का अमल इस वक्त अभी जारी है। जी समीर, मजीद ये भी जानना चाहेंगे कि ये धमाका किस तरह की किस नौयत का था, ये अब तक मालूम हो सका है? मुमकिन है कि बम का धमाका भी हो सकता है, मुमकिन है कि गैस लीकेज का धमाका भी हो सकता है, तो अभी तक क्या इत्तलात है? देखें, अभी तक इत्तलात में ये मौसूल हो रहा है कि ये किसी गैस की या बॉयलर की जो है इत्तलात आ रही है कि उसका धमाका है, लेकिन 8 अफराद जहां भाग होते हैं तो ये अंदाजा नहीं लगाया सकता कि ये बॉयलर का धमाका नहीं होगा। ये लाजमी या तो कोई इसमें जो धमाका के मवाद होता है वो इस्तेमाल हुआ होगा, या फिर इसको जो है वो गैस की लीकेज का धमाका बताया जा रहा है। अभी कानून नाफिज करने वालों से हमारी बात है, जिनका ये कहना था कि अभी जो है तखमीना नहीं लगाया जा सकता कि ये धमाका किस चीज का और किस चीज से हुआ है। समीर, हमें बताइएगा कि पुलिस जराये का क्या कहना है इस हादसे के हवाले से? देखिए, पुलिस से हमारी बात हुई, इस वक्त पुलिस के जो दीगर SHO हैं इलाकों के वो भी जाए हादसा पे पहुंच चुके हैं, जबकि भारी अपनी रेंजर्स की जो है वो उस इलाके में पहुंच चुकी है। इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया है। इस वक्त जहां पे धमाका हुआ था उस जगह को बम डिस्पोजल अपराध की जो है उनके तहत चेक किया जा रहा है कि आया ये धमाका किस चीज का था, लेकिन जरा ये बताते हैं कि धमाका जो है वो गैस की लीकेज के बाइस था, क्योंकि जो धमाके की नोयत है जिसमें लोग 8 अफराद जाबाक हुए हैं यही। समीर, ये भी बताइएगा, कहा जा रहा है कि बैंक को काफी नुकसान पहुंचा है, तो बैंक में भी कुछ अफराद के जाबहक की हलाकत की या फिर जख्मी होने की कोई इत्तला है? देखिए, करीबी वाकई इसमें एक निजी बैंक है जहां पे जिसकी दीवारें भी इस वक्त जो करीब की दीवारें थी जो शीशे थे वो टूट चुके हैं, जबकि इसमें आने और जाने वाले अफराद जो है वो भी इसमें जख्मी हुए हैं। ये शेरशाह मार्केट है, कबाड़िया मार्केट, यहाँ पर देखा जा सकता है मामूल के मुताबिक ज्यादा रश होता है और आज हफ्ते का छुट्टी का दिन होता है तो लोग ज्यादातर यहाँ का रुख करते हैं, जिसके बाद ये धमाका जो है हुआ होने के बड़ी बात है वो इलाका वकीलों ने अपनी मदद आपके तहत रेस्क्यू करके जो 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 जाबा हो रहे हैं अफराद थे उनको करीब अस्पताल मुंतकिल किया, जबकि तर्जुमान रेंजर्स का ये। शुक्रिया समीर तरीन, अब हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आपको एक बार फिर बताते चलें, शेर शाह प्राचा चौक के निजी बैंक में खौफनाक धमाका हुआ है। धमाके की आवाज दूर दराज इलाके तक भी सुनी गई है, जब धमाके के नतीजे में मुतादिद अफराद जख्मी भी हुए हैं। बैंक के बाहर खड़ी गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचा है, जबकि बैंक की दरो दीवार भी मिट्टी का ढेर बन गई है। अतराफ में वाकई दुकानों को भी नुकसान पहुंचा है। आपको मजीद बताते चले कि कराची में एक खौफनाक धमाका हुआ है, जिसके नतीजे में रेंजर्स और पुलिस भी पहुंच चुकी है और कई अफराद होने की इत्तला भी सामने आ रही है। जाए वक्फों को घेरे में लेकर बम डिस्पोजल स्क्वाड भी तलब कर लिया गया है। ये थी फैस टीवी ताजा तरीन।